नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तराखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। लोगों को भड़काने पर भाजपा ने की पुलिस से शिकायत। कैबिनेट मंत्री से जुड़े प्रकरण में सुरेंद्र सिंह नेगी समर्थकों की महापंचायत विवादों में आ गई है। ऋषिकेश के गुमानी वाला क्षेत्र में हुई महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने दो लोगों पर क्षेत्र के लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को इस बाबत शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ए न्यूज टुडे से अमित कंडियाल की रिपोर्ट। गुमानी वाला में 25 तारीख को जो महापंचायत रखी गई थी माननीय मंत्री का, उसमें इन्होंने वहाँ पर जो संजय सिसवाल जो है जो वहाँ पर इसका संचालन कर रहा था, उसमें वहाँ पर वो जनता को भड़काने का, उकसाने का, और धर्मवीर प्रजापति ने जो आज आपने सोशल मीडिया के द्वारा देखा होगा कि वो इतनी गंदी बातें कर रहा कि वो साहब माननीय मंत्री जी के लिए बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस का दीजिए, देख लें कौन मंत्री कैसे मंत्री। तो आप देख लीजिए, वो पंचायत एक न्याय के लिए नहीं, वो पंचायत उन लोगों ने वहाँ सिर्फ जनता को भड़काने के लिए और पूरे शहर का, पूरी विधानसभा का माहौल खड़ा करने के लिए, और कांग्रेस उसमें पूरी ही कांग्रेस में वहाँ पर वो कर रखा था उन्होंने माहौल। वापस वहाँ के जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के और जो हमारे ये विधानसभा के प्रत्याशी रहे जयेंद्र, उन्होंने भी साफ भड़काने की कोशिश करे, वहाँ बता रहे कि हम वो अब आज वो कल वो पंचायत में सोशल मीडिया देखा, हमने देखा कि वो बता रहे थे कि यहाँ पर गढ़वाली देसी नहीं है। लेकिन वहाँ साहब जो तो आपने वहाँ पर देखा होगा, आप लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे, जो वहाँ मंच में चढ़ के साफ बोलते कि मैं यहाँ का गढ़वाली हूँ, ये हूँ, वो जातिवाद और भड़काने के लिए और यहाँ पर हिंसा प्रवृत्ति करने के लिए वहाँ पंचायत को उन्होंने ये योजना के तहत करा था। वहाँ न्याय वाली कोई बात नहीं हो रही थी उनका। अभी जो इन्होंने संजय सिसवाल और ये देवेंद्र प्रजापति, इन्होंने धर्मवीर प्रजापति ने जो बयानबाजी की है, मैंने माननीय कोतवाल जी को तहरीर दी है कि इन पर मुकदमा दर्ज करके इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना ये गिरफ्तारी नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये ऋषिकेश के पूरी तरह से ऋषिकेश को परियोजना बना के, कांग्रेस इसको परियोजना बना के इसको माहौल खराब कर रही है पूरे विधानसभा का। एक नहीं, जो माननीय मंत्री जी द्वारा जो हुआ था न्याय के लिए, आपने देखा होगा पहले भी यहाँ तहरीर दी गई है उनके द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें संज्ञान लिया है। जब ये मामला ऊपर डीजीपी न्यायालय तक जा रखा है तो आप इसको क्या चाह रहे हैं? जब वहाँ पर तहरी दोनों तरफ से हरी मुकदमा हो रखा है तो कानून न्याय करेगा ना, तो आप इसको महापंचायत करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये पूरी ऋषिकेश की विधानसभा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मंत्री प्रेमचंद की मारपीट मामले में सुरेंद्र नेगी के समर्थकों ने बुलाई महापंचायत। मंत्री प्रेमचंद की मारपीट वाले मामले में सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थकों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्र के तमाम दिग्गज नेता सुरेंद्र नेगी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पहुंचे हैं। मौके पर भारतीय जनता पार्टी नेता भगत राम कोठारी के पहुंचने से महापंचायत को बल मिला। भगत राम कोठारी ने साफ शब्दों में कहा है कि मंत्री प्रेमचंद की मारपीट वाली हरकत शर्मनाक है। प्रेमचंद की ये हरकत पहली हरकत नहीं है, पहले भी इस प्रकार के हरकतें प्रेमचंद कर चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री को प्रेमचंद को तत्काल पद से बर्खास्त करना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री ने जनता की मांग ना मानी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार उत्तराखंड की 5 सीट खो देगी। ए न्यूज टुडे से अमित कंडियाल की रिपोर्ट। नहीं, न्याय व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे इस महामंच के महापंचायत का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था आज इतनी डगमगा रही है कि न्याय मिलने का कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैंने दो बार अपने मुख्यमंत्री धामी जी से मिलने की कोशिश की, अपने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ से परमिशन नहीं दी गई है मिलने की। मैंने एप्लीकेशन दी लेकिन अभी उसकी कोई सुनवाई हमें नहीं हुई है, और इसलिए मुझे ये महापंचायत का आह्वान करना पड़ा। और मैं इस महापंचायत से भी यही कहना चाहती हूँ कि जब उनके पद से बर्खास्त नहीं किया जाता, ना ही किया जाएगा, तब तक न्याय व्यवस्था बिल्कुल डगमगाएगी। ये रणनीति ये महापंचायत तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या है। मेरे उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं, हर जिले से मुझे सपोर्ट आया है कि आप जहाँ तक चलो हम तुम्हारे साथ। लोगों को ये लग रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई है, ये सिर्फ यूकेडी की लड़ाई है, लेकिन आज सरकार को एहसास हो गया होगा ये आम जनता की आवाज है। और अभी क्योंकि वो मंत्री पद पर है, आज उसे मंत्री पद से उनको हटा दीजिए तो इसके चार गुना लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाकर रखते हैं, लोग उनसे डरते हैं।
मेरे को नुकसान किया, बहुत सारे लोगों को नुकसान करा है, और इस तरह से ये आर्थिक रूप से नुकसान करने का इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत की है। आप अगर चारों तरफ देखेंगे, लोग छतों पे खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं, और यहाँ कुर्सियों पर तो बैठे ही, उसके अलावा उससे हजारों लोग खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने स्पष्ट कर दिया सरकार को कि ये बार बार हीला हवाली वाला काम नहीं चलने वाला। आपने विधानसभा बैकडोर भर्ती में इनको बचाने का काम किया, लेकिन अब ये नहीं बचने चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। मैंने अभी मंच से कहा है, अपना सुझाव दिया है मंच को, मैंने मंच से कहा है कि इस चिंगारी को बुझने नहीं देना है। अगर सरकार अभी भी नहीं सुनेगी तो हम सब ऋषिकेश वालों को इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के आवास को घेराव करने का काम करना चाहिए, और जिस दिन प्रधानमंत्री जाए उस दिन प्रधानमंत्री जी को भी घेरने का काम करना चाहिए कि आपके दुष्ट मंत्री जो आपके नाम से चुनाव जीतते हैं वो आज लोगों को सड़कों पर बैठने का काम कर रहे हैं। तो वो सवाल भी कर रहे हैं जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिन लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया, वो बैनरों के माध्यम से सवाल भी कर रहे हैं, मोदी जी क्या हमने मार खाने के लिए आपको वोट दिया? पूर्व राज्य मंत्री कोठारी जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। ये अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है कि सरकार में होने के बावजूद वो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो असली न्यायी व्यक्ति लगते हैं। मुझे लगता है उनके अंदर आज भी मानवता जिंदा है, उनके अंदर आज भी जमीर जिंदा है, और ऐसे जमीर जिंदा वाले व्यक्ति को मैं सलूट भी करता हूँ, और वो यहाँ पर आकर अपनी बात भी रखेंगे, क्योंकि गलत को गलत कहने में भी अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम होता है जो उन्होंने दिखाने का काम किया। ऐसे ही उत्तराखंड के खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।